INS Vikramaditya hamesha dusre jahazon ke sath kyu rehta hai? Why INS Vikramaditya is always accompanied by other ships? Vikramaditya carrier battle group. हेलो दोस्तों, आपके अपने मन पसंदीदा चैनल अनसुनी कहानियां पर आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना या फिर इंडियन नेवी भारतीय सेना का एक बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के पास आज दुनिया की सबसे विशाल सेना है, जिसकी भारतीय नौसेना एक बड़ा हिस्सा है। भारत को हर ओर से मजबूत रखने के लिए नौसेना, थल सेना और वायुसेना हमेशा खड़ी रहती है। दुश्मन चाहे कहीं से भी आए, भारतीय सेना हर तरफ से उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है। दुश्मन केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र से आकर भी हमला कर सकता है, इसलिए भारतीय नौसेना को काफी मजबूत और एडवांस्ड बनाया गया है। भारतीय नौसेना की मजबूती का एक अटूट भाग है INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। पानी में दुश्मन को ध्वस्त करने वाला INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय सेना में इतना महत्व दिया जाता है कि हर वक्त 4 से 5 हजार उसके आसपास रहते हैं? विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को आखिर इतनी सुरक्षा में क्यों रखा जाता है और इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिसने INS विक्रमादित्य को इतना महत्वपूर्ण बना दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब और INS विक्रमादित्य की पूरी कहानी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। INS विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड केव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम एक महान राजा विक्रमादित्य के सम्मान में रखा गया था। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों INS विक्रमादित्य के आसपास जहाज रहते हैं और इसकी पूरी जानकारी। INS विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर और भारतीय नौसेना का फ्लैगशिप है, जो सेवा में 2003 में आया था। इस कैरियर का उपयोग 1987 के आसपास रूसी सेना द्वारा किया जाता था, जिसके कारण रूसी नौसेना काफी मजबूत बनी हुई थी। 20 जनवरी 2004 में भारत ने इसे 1.64 खरब रुपए में खरीद लिया और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसे भारतीय नौसेना में लाया गया। भारत ने केवल INS विक्रमादित्य को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ 4 डबल सीट MIG-29KUB, सिंगल सीट मिकोयन MIG-29K, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी यूनिट्स खरीद लिए। इन सब के कारण ही INS विक्रमादित्य के आने से भारतीय नौसेना पर बड़ा प्रभाव पड़ा और भारतीय नौसेना दुनिया के सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बन गई। इसके साथ ही भारतीय सेना में मॉडर्न हथियारों के आने से एक अलग ही युग की शुरुआत हुई और भारत ने अपनी सेना को मजबूत के साथ टेक्निकली एडवांस्ड बनाना भी शुरू कर दिया। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के 2500 में से 1750 कंपार्टमेंट्स को रीफैब्रिकेटेड किया गया और जिसमें से एलिवेटर्स को अपग्रेड करके रीकेबलिंग भी हुई, जिसके रेडार्स और सेंसर्स और भी अच्छे से लगाए जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि INS विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए उसमें कई बदलाव किए गए, जिसमें सभी आर्मामेंट्स को निकालना शामिल है, जैसे P-500 बेसाल्ट क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स और 4 एंटी किजहाल, जो कि जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइल है। INS विक्रमादित्य में 20 टन की लिफ्टिंग क्षमता थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 टन कर दिया है। इसे एक बेहतरीन आकार और मजबूती देने के लिए कैरियर में 234 हल सेक्शंस भी लगाए गए हैं। इसमें बेहद उन्नत सर्वेलेंस सिस्टम, आधुनिक सेंसर्स और रेडार्स और साथ ही इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट्स लगाए गए हैं। इसमें एक अलग ही प्रकार का फ्यूल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसका बॉयलर भी काफी उन्नत है। इसके प्रोपेलर्स लगभग 1,80,000 हॉर्स पावर का थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। INS विक्रमादित्य की मजबूती को और भी बढ़ाने के लिए इसमें मॉडर्न ऑयल वाटर सेपरेटर्स, 6 डीजल और टर्बो अल्टरनेटर्स लगाए गए हैं। इसमें लोगों की सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि गैलरी, होटल जो उन्नत एयर कंडीशन है और रेफ्रिजरेटर। इतना ही नहीं, दुश्मनों को हर तरफ से नाकाम करने के लिए भी इसमें कई चीजें मौजूद हैं। युद्ध के लिए इसमें कंप्यूटर एडेड एक्शन सिस्टम मौजूद है। ये जहाज के सेंसर और डेटा लिंक्स से जानकारी होकर हालात की जानकारी देता है। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट्स के होल्ड और लॉन्च को संभालने के लिए मॉडर्न रिकवरी सिस्टम्स लगाए गए हैं। इसमें लूना लैंडिंग सिस्टम मौजूद है, जिसके द्वारा MIG-29Ks को लैंड कराया जाता है और समुद्री हैरियर्स को लैंड करने के लिए कैरियर के एक विशेष DAP सिस्टम मौजूद है। अगर एयरक्राफ्ट लंबी दूरी पर भी हो, तब भी कैरियर उसे पूरा नेविगेशन और फ्लाइट डेटा देता रहता है। INS विक्रमादित्य हमेशा कुछ अन्य जहाजों के साथ ही रहता है और ऐसा क्यों होता है वो हम आगे जानेंगे। INS विक्रमादित्य को जब भी कहीं भेजना होता है तो उसे बैटल ग्रुप के साथ भेजा जाता है, ताकि कैरियर सुरक्षित रहे। INS विक्रमादित्य की सुरक्षा के लिए इसमें 4 AK-630 CIWS रोटेटरी कैनन और एक
बैरक 1 सैम सिस्टम लगाया गया है, जिसे डी कमीशनड INS गोदावरी से निकाला गया था। बाद में बराक 1 को बराक 8 से बदल दिया गया, जो कि लॉन्च रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल था। इस कैरियर का जीवन काल 40 साल का है, जिसमें लगभग 10 साल तक इसमें किसी सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को स्टोबार कैरियर के रूप में बनाया गया है, जो कन्वेक्शनल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को ले जाने में सक्षम हो। INS विक्रमादित्य में 34 एयरक्राफ्ट को ले जाने की क्षमता है। INS विक्रमादित्य में मुख्य रूप से लगने वाले एयरक्राफ्ट टाइप मिकोइन MIG-29K है, और इसी का एक नेवल रूप मिकाइन 29GM, और इसी का एक नेवल रूप मिकोइन MIG-29M भी है। MIG-29K एक एडवांस्ड ऑल वेदर फाइटर है, जो कि लो लेवल स्ट्राइक्स और एंटी शिपिंग रोल्स को अंजाम दे सकता है। इसका मुख्य ASW प्लेटफॉर्म वेस्टलैंड किंग है, जिसके साथ 16 से 24 MIG-29K जुड़ते हैं और 10 कमोफ का 31 या फिर जिन्हें ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी कहते हैं वो रखे जाते हैं। INS विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना में शामिल करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, INS विक्रांत। अब आप भी सोच रहे होंगे कि INS विक्रांत आखिर विक्रमादित्य से कैसे जुड़ा हुआ है, तो दरअसल ये इसलिए है क्योंकि 1971 में हुई भारत पाक की समुद्री जंग में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिससे पाकिस्तान इतना खौफ खाता था कि हर कीमत पर उसे तबाह कर देना चाहता था। 1961 में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसने तभी से पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। 1971 के युद्ध में INS विक्रांत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए, और भारत भी ये बात अच्छे से जानता था कि INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सबक बन सकता है, इसलिए वो INS विक्रांत को युद्ध में लेकर आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग हुए, तब पाकिस्तान से बांग्लादेश तक जाने का केवल एक मार्ग था, समुद्री मार्ग। इसलिए पाकिस्तान पर और भी दबाव बनाने के लिए भारतीय नौसेना में INS विक्रांत उसी क्षेत्र में शामिल हो और अपना कार्य कुशलता से किया। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर्स में अपना पैसा नहीं लगाता, वह पनडुब्बियों के द्वारा अपनी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश करता है। और जब उसने देखा कि INS विक्रांत उसके रास्ते की एक बड़ी समस्या बन गया है, तो उसने हर हाल में उसे तबाह करने की कोशिश की, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने विशेष पनडुब्बी PNS गाजी को INS विक्रांत पर हमला करने के लिए भेजा। 1971 के युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा और भारत की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान ने जब PNS गाजी को छिपकर INS विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा, तो भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा देते हुए INS विक्रांत को युद्ध के लिए भेजा ही नहीं, बल्कि उसे अंडमान और निकोबार पर भेज दिया गया, और INS राजपूत को विशाखापट्टनम में खड़ा किया गया। और PNS गाजी का जब INS विक्रांत समझकर INS राजपूत पर हमला करने आया, तो INS राजपूत ने उसे तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 1,00,000 सैनिकों को हराकर इस युद्ध में भारत ने जीत हासिल की और पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा। अब चलिए आते हैं इस वीडियो के मुख्य सवाल पर, जो कि है आखिर क्यों INS विक्रमादित्य के साथ 4 से 5 अन्य जहाज हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है इसका महत्व। जैसा कि आपने INS विक्रांत के बारे में देखा, वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था। सिर्फ भारत के पास उसके होने से ही पाकिस्तान खौफ खाता था, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि उससे भी बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। दुश्मन कभी भी INS विक्रमादित्य को तबाह करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हर वक्त कैरियर बैटल ग्रुप उसके साथ रहता है, जिसमें 2 मॉडर्न कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो भारतीय सेना में दुश्मनों को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इस ग्रुप में जमीन पर घातक वार करने वाले शिवालिक और तलवार क्लास फ्रिगेट्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ सबमरीन से सुरक्षा के लिए इस समूह में कोमाटो क्लास वॉरफेयर्स को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ पलट कर वार करने के लिए भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS चक्र को भी शामिल किया गया है, और ये सब INS विक्रमादित्य की सुरक्षा और नौसेना की मजबूती के लिए किया गया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर INS विक्रमादित्य हमेशा एक समूह में क्यों रहता है, और आपको INS विक्रमादित्य के बारे में सारी जानकारी भी मिल गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना कि आखिर INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय सेना के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और क्यों वो हमेशा दूसरे जहाजों और पनडुब्बियों से घिरा रहता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके मन में वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है, तो उसे हम तक कमेंट्स के जरिए शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अन्य रोचक और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल अनसुनी कहानियों के साथ, क्योंकि जो कहानियां रह जाती हैं अनसुनी, उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियां। धन्यवाद।